देखिए यहाँ पर अकोला शहर के अंदर एक बाहर गांव का ट्रक आया है जिसमें यहाँ पे होटल वगैरह कर्फ्यू की वजह से सब बंद पाई, तो इस यार ट्रक ड्राइवर को यहाँ स्टेशन चौक पर रोककर अकोट के अकबर प्लॉट्स मस्जिद के पास के नौजवान सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ खाना अपने ऑटो में लेकर आए। देखिए यहाँ पर अकोला शहर के अंदर एक बाहर गांव का ट्रक आया है जिसमें यहाँ पे होटल वगैरह कर्फ्यू की वजह से सब बंद पाई, तो इस यार ट्रक ड्राइवर को यहाँ स्टेशन चौक पर रोककर अकोट के अकबर प्लॉट्स मस्जिद के पास के नौजवान सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ खाना अपने ऑटो में लेकर आए और यहाँ गौर गरीब को स्टेशन पे जो भी एक यात्री है ये यात्री को उन्होंने खाना यहाँ दिया है, जिसमें आपके सामने ये देखिए गैस सिलेंडर का गाड़ी खड़ा हुआ है जो कर्फ्यू के अंदर ट्रैफिक जाम की वजह से खड़ा था, लेकिन आज हमें महसूस हुआ कि होटल और वो कुछ भी नहीं मिली, उनको नाश्ता नहीं मिला, एक भूख से परेशान ड्राइवर को यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता ने गाड़ी रोक कर स्टेशन पे इनको खाना दिया है। ये ड्राइवर की बड़ी खुशवक्ती चेहरे पे महसूस हो रही है कि फिर भी हमारा देश और हमारे देश के लिए जो हमारे आज पाबंदी लगी है मिलजुल कर काम कर रहे हैं। हमारा ड्राइवर भूखा रहना पसंद करा है, लेकिन आज एक कठिन कंडीशन के अंदर भी जो आज उसकी किस्मत में जो खाना था अकोला शहर रेलवे स्टेशन के ऊपर सामाजिक कार्यकर्ता गौर गरीब को जो स्टेशन पे आजू बाजू के यहाँ भिखारी लोग जो पड़े हैं बेचारे उनको उठा उठा के खाना खिला रहे हैं, ये ऐसी मदद सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से होने जा रही है जो कर्फ्यू लगने के बाद आज खुला जो टाइम मिला है खुले टाइम में खाना खिला रहे हैं। एक दिल में ये हमदर्दी रखकर ये लोग यहाँ पहुँचे हैं और इसके बाद यहाँ से लेडी हेडिंग जिला अस्पताल ऐसा जाने वाले हैं। ये उनके जो आए हुए नाते हुए जो रुके हुए हैं जो खाने से मोहताज है जो नाश्ते पानी से सब परेशान है उन्हीं के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर बंदोबस्त भी देख रहा है, पुलिस बंदोबस्त सामने आपके बैठा है और यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त जो बैठा हुआ है जो कर्फ्यू खुला टाइम मिला है वही टाइम में ये लोग यहाँ मौजूद है। हम मौजूद हाल रेलवे स्टेशन अकोला रेलवे स्टेशन के सामने चौक पर से हम बोल रहे हैं। ऐसा हुई राम जी है आपके सामने रंगरेज की आवाज़ न्यूज़ चैनल अकोला से कैमरामैन अफजाल अहमद इरशाद अहमद की रिपोर्ट्स।